हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, 4 अप्रैल आरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं लेके आ गया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आज के दिन के जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे फ्रेंड्स जीके के और जीएस के। अगर आप इस चैनल में नए हो, जो भी बच्चा इस चैनल में नया है, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए, अभी इसके बाद मैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप पूरा पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा फ्रेंड्स, आपको रियल और ऑथेंटिकेट क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस बात पे एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करते रहिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट क्वेश्चंस। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया था फ्रेंड्स कि कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया, तो आंसर आपका राजगीर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, याद रहे फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया जब पूछे ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इंडिया गेट पूछे तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने बताया था आपको सेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए सेट का क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, सेट का क्वेश्चन जितना मिलता है फ्रेंड्स लगाते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कल ही के सेट में मैंने बताया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी, तो 4 फरवरी 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा पूछा गया था, क्या करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको समझ में आ गया, करो या मरो का नारा किसी के द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे आएगा। तो थर्ड शिफ्ट का जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा, थर्ड शिफ्ट का भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भाई लोग मेरे चाहने वाले जितने भी हैं सेंड कर रहे हैं मेरे कम्युनिटी टैब में। तो आप भी जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था तो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं मुझे थर्ड शिफ्ट का। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके क्वेश्चन पोस्ट करिएगा, ताकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे बार बार पूछते हैं सर जीके क्वेश्चन लाइए। जो क्वेश्चन लाते हो बहुत ही कम लाते हो, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हमें क्वेश्चन को समझ में कम आता है। ठीक है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जीके क्वेश्चन पूछिएगा फ्रेंड, सेंड करिएगा। और जो बच्चा यहां पर क्वेश्चन सेंड करता है उनका मैं नाम लेता हूं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उनका भी नाम लूंगा और आपको बधाई देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, शुभकामनाएं दूंगा और आपका एग्जाम आपको 100% बताऊंगा फ्रेंड्स कि करेक्ट होगा और अच्छा होगा। ठीक है ना, जिनको जिनका प्रिपरेशन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कम्युनिटी टैब में लिखते हो क्या हो रहा है, आपका रिवाइज यहाँ पे भी हो रहा है, अगर आपने एग्जाम में देके आए हो, अगर आपको वहाँ पे करेक्ट हो रहा है वहाँ पर भी आपका एग्जाम करेक्ट हो गया, मतलब आपके मार्क्स जो बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और मैंने कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कट ऑफ इसका बन सकता है। ठीक है ना, आपको मानता हूँ कि मिनट कम मिल रहे हैं, जो है ना समय जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे बच्चे। वो उन्होंने बताया मुझे 45 से 50 में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ सर, तो मैं बताऊँगा कि लास्ट में इसको क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो आप वीडियो देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा मैंने बताया है महात्मा गांधी, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मैं क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पा रहा, देखिए इसको कंफर्म करिएगा, अगर पृथ्वी की गति को बढ़ा देने पर भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इसका जो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर था। मोस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप विनिंग कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है बहुत ज़्यादा बार इन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो देखिए फ्रेंड्स ब्राज़ील जो 5 बार गत विजेता रह चुकी है। ठीक है ना, और मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ब्राज़ील हैज़ वॉन द मोस्ट वर्ल्ड कप विथ अ टोटल ऑफ 5, 5 बार इन्होंने अपना वर्ल्ड कप जीता है, अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट टोटल मेंबर ऑफ जस्टिस, देखिए उच्चतम न्यायालय की जो टोटल मेंबर ऑफ जस्टिस है कितने हैं भाई, तो देखिए 31 जो होते हैं ना टोटल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन 27 जज है अभी हमारे फिलहाल में, 27 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको मैं नोट में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसका आंसर लिखा है, चलिए देखते हैं नोट में। देखिए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर है, देयर आर करेंटली 27 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगेंस्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ 31, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल स्ट्रेंथ है जजेस की वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो 31 है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट एज जो है आपका 65 ईयर्स के एज में वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस रंजन गोगोई इज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वो 46वें चीफ जस्टिस बने हैं भारत के।
कहाँ के, भारत के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं रंजन गोगोई, ठीक है ना। उससे पहले कौन थे भाई, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है ना रिटायर्ड जस्टिस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, गवर्नर क्वालिफिकेशंस ऑफ एज और मिनिमम एज। देखिए मैं कंफर्म नहीं हो पाया था, देखिए इसका जो मिनिमम एज होता है गवर्नर का, जो राज्यपाल का, जो गवर्नर का मिनिमम एज होता है मतलब क्वालिफिकेशंस का, वो 35 ईयर्स ऑफ एज होता है। कितने, 35 ईयर्स ऑफ एज में उनका क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रैबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था। तो ये स्टेडियम है महाराष्ट्र मुंबई में, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा माइंस पूछा गया है फ्रेंड्स कि रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म क्या, एक तत्व है जो आपका यूरेनियम से बनता है, ठीक है ना। जादूगोड़ा एक माइंस है जो माइंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिजम्स, जो रिलेटेड होता है यूरेनियम से, ठीक है, यूरेनियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था, 10, 12 and 15% डिस्काउंट इज इक्वल टू वॉट। एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मैं समझ पा रहा था। ये इन्होंने स्टूडेंट ने यहाँ पर उन्होंने लिखा है आंसर फ्लैट डिस्काउंट। अब बताइएगा कितना ये सही है और आपके ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन में अगर मेरे को पता चलता है तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे सकता हूँ, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 10, 12 and 15% इज डिस्काउंट इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन जो है, एक इंटरेस्ट ऑफ 8000 इज 1120, ठीक है, फॉर टू ईयर्स फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपका एसआई का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बोला क्या कहता है, इंटरेस्ट दे रखा था, सॉरी रेट 8000 इज 8000 का जो इंटरेस्ट है वो 1120 है, वो दो साल के लिए, ठीक है ना। उसमें बोला था फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको किसके क्या करना होगा, इसमें पीआरटी बाई 100 फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये क्वेश्चन पूरा कन्फर्म नहीं हो रहा पा रहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट है, इसलिए इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सेकंड शिफ्ट का बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे भाई ने सेंड किया, उनका नाम है नीतीश कुमार पटना से हैं और इन्होंने पटना से मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो क्वेश्चन को सेंड किया है उसको, क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने बताया मुझे कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा, बहुत आभार व्यक्त करूंगा फ्रेंड्स कि आपने क्वेश्चन को सेंड किया, बहुत ही अच्छा लगता है आप जब क्वेश्चन को सेंड करते हो हमारे कम्युनिटी टैब में। तो आपका जब भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को सेंड करते रहिए। क्वेश्चन को सेंड करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में जिन बच्चों का एग्जाम होगा वो उनका जो क्वेश्चन का लेवल क्या है, मॉडरेट है या मीडियम है, ठीक है ना, मॉडरेट है या इजी है या हार्ड है, इस लेवल में आपका क्वेश्चन होगा। देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं, महलों का शहर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। महलों का शहर किसे कहा जाता है, ये कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, किसको, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप भारत कब जीता था। स्टार्टिंग में देखिए फ्रेंड्स, 12 अगस्त 1948 में भारत ने वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप का ओलंपिक में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आपको आंसर में देखने को मिल रहा है 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। देखिए फ्रेंड्स, जब इसका निर्माण हुआ था भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का, उस समय इसका जो भाग है, देखिए सब बताऊंगा मैं, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी, कितनी 8 अनुसूचियां थी, समझ आ रहा है। अभी इसको बढ़ाकर 4 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं और इसको कर दिया गया है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 395 प्लस 12 अनुसूचियाँ और ये 22 भागों में विभाजित डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, होलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है। तो बोला गया था कि ये होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है, तो होलकर ट्रॉफी आपका ब्रिज स्पोर्ट है, ब्रिज स्पोर्ट से, देखिए ब्रिज के स्पोर्ट्स में इसको खेला जाता है, किसको, ब्रिज स्पोर्ट में ये खेला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, मैं कंफ्यूज हो गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बाउल पूछा गया है कहाँ का लोक नृत्य या लोकगीत, मुझे जब आंसर मैंने खोजा इसको देखने को मिला फ्रेंड्स, ये देखिए वेस्ट बंगाल का। देखिए मैं आपको आंसर क्या पूरा कन्फर्मली इसको आपको दिखाता हूँ कि ये बाउल क्या है, किस प्रकार से इसका आंसर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए फ्रेंड्स, शांति निकेतन में एक बाउल गीत गायक दल, देखिए इसमें क्या है, बाउल पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है, बाउल एक विशेष लोकाचार और धर्म मत भी है, इस मत का जन्म बंगाल की माटी मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ था, समझ आ गया आपको आंसर, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है,
कहाँ पर, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। ये भगवान शिव की एक प्रतिमा है, ठीक है, ठीक है। ये एक प्रतिमा थी जो भगवान शिव की बनाई गई है। एक फ्रेंड्स एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा जरूर। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है। देखिए मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कराऊंगा आरपीएफ कॉन्स्टेबल्स के लिए, तो आप वीडियो को के साथ तो लगिएगा जरूर, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी नए मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का क्यूब करेंगे, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 + 1 = 2। उसके बाद सेम क्वेश्चन सेम, उसके बाद 9 है तो 2 का क्यूब करो प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8 + 1 = 9। 3 का क्यूब प्लस 1 तो 27 + 1 = 28, ठीक है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सेंड किए इन्होंने नीतीश कुमार जी ने, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा उनका, ठीक है। 65 का देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 का क्यूब प्लस 1 तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा 4 का क्यूब, अभी 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 + 1 = 126, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, और ये आपका सेट से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सेट के क्वेश्चन लगाते रहिएगा, सेट के क्वेश्चन आ रहा है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी आपको लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डूरंड कप किस खेल से संबंध रखता है, तो डूरंड कप आपको मैंने बताया था कि फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन रिपीटेड होता है, और वही क्वेश्चन बार बार एनसीटी के ट्रेडमेंट के एग्जाम में बार बार पुटअप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब हो रहा है क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए मैंने बताया था। पहले मेरे एक भाई ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन जो है ना आरपीएफ कांस्टेबल का रिपीट है या वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, मैंने बताया था कि उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, इसलिए आप हमारा सेट लगाइएगा। और एक मेरे भाई ने बोला कि क्या आपके सेट से सारे क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं भाई देखिए सेट के क्वेश्चन कुछ नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन आपको जो बताया जा रहा है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो क्या खराब है, बताइए क्या खराब है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और इसका मैं आपको हो सके तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ ले लीजिएगा। इसके बाद मैं थर्ड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं थर्ड शिफ्ट का मैं सारे के सारे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।